हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है जिस पे पेपर पेस्टिंग लगा हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 16 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इसको आप मोहरी या फिर सलवार की मोहरी या फिर आप ड्रेस के स्लीव पे लगा सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम 2-2 इंच पे पहले हाफ इंच रख देंगे सिलाई के लिए साइड में, उसके बाद 2-2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे पूरे में। ये देखिए, मैंने हाफ इंच रखा है, उसके बाद से 2-2 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे पूरे में। उसके बाद मैंने डोरी लिया है सेम कपड़े का, डोरी बना के पहले से रखा था। उस डोरी को 2.5 इंच पे काट लेंगे पूरा, बहुत सारे 2.5 इंच का। देखिए, मैंने डोरी काट के रख लिया है। अब डोरी को लेंगे, 6 डोरी लेंगे। देखिए ऐसे 6 लेंगे, उसके बाद डोरी को बाहर की तरफ रख के और जो हमने निशान लगाया था उस पर सीधा ऐसे बीच में रख के दोनों साइड सेम कपड़ा छुपना चाहिए और उसके बाद उस पर सिलाई लगाएंगे। बीच में डोरी रहना चाहिए, दोनों साइड का जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा वो बराबर होना चाहिए और बीच में एकदम डोरी होना चाहिए। और वैसे सिलाई लगा देंगे सीधा 6-6 डोरी पकड़ के, और जो डोरी है वो बाहर की तरफ रहेगा, उसका सिलाई अंदर की तरफ रहेगा। देखिए ऐसे ही मैंने पूरा लगा लिया है। देखिए, सबका डोरी नीचे की तरफ ही है। उसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका डोरी सिलने के बाद उसको काट लेंगे ऐसे पूरा में हम काट लेंगे जितना भी है हमारा। देखिए, मैंने पूरे को काट लिया अच्छे से। उसके बाद हम जो सिलाई लगाए थे उसको वो सिलाई पे ही उसके बाहर से सिलाई लगाएंगे। एक वो जो सिलाई हम पहले लगाए थे वो पलटते टाइम देखेंगे कि वो अंदर की तरफ रहे, उसके बाद एक सिलाई लगाएंगे। वो सिलने के बाद एक फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे ऐसे बराबर पकड़ के, ऐसे पूरे में सिलाई लगा देंगे। पहले मोड़ के सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिनिशिंग का एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सारे में ऐसे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम 3 डोरी पकड़ेंगे और उसको हल्का सा राउंड शेप देके साइड में सिलाई लगाएंगे पूरे में। देखिए, 3 डोरी लेंगे और ऐसे हल्का सा राउंड घुमाते हुए बराबर रख लेंगे उसको अच्छे से, उस पर सिलाई लगा देंगे। 3-3 लेंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे। और जो दूसरे साइड का 3-3 है उसको भी सेम ऐसी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैं 3-3 डोरी पकड़ के ऐसा हल्का सा राउंड शेप देके और ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे में। ये देखिए, मैंने दोनों साइड का ही लगा लिया है। उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा डोरी है उसको काट लेंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसे। उसके बाद हम एक 4 इंच का या 3 इंच का कपड़ा लेंगे। ये देखिए ऐसे, उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया। अब उसको हम पलट लेंगे अच्छे से। देखिए, पलटने के बाद हम उसको सीधा करके उस पर छोटे छोटे चून लगाएंगे। मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है एक ही डिज़ाइन के। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे चून लगाने के बाद उसके ऊपर हम रखेंगे जो हमारा सिलाई लगा हुआ था, और उस पर एक ये कपड़ा रख के चून वाला उस पर सिलाई लगा देंगे। और देखिए ऐसे पूरा में सिलाई लगाने के बाद उस पर एक फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे, उसको ऐसे पलट के बैठा के अच्छे से। देखिए, मैंने पूरे में सिलाई लगा दिया है। अब हम जो सलवार के लिए लिए थे उस पर मैंने प्लेट बनाई हुई है, पहले से प्लेट लगा हुआ है नीचे की तरफ सलवार के। उसके बाद मोहरी उस पर अटैच कर लेंगे, उसके बाद उस पर फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे। हम छोटे छोटे मोती लेंगे वाइट कलर का। आप चाहे तो अपने जो भी ड्रेस का मैचिंग कलर हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और जो हमारा जो 3-3 डोरी लिए थे उसका जो बीच का कॉर्नर है वहाँ पर मोती लगाएंगे, जितना भी हमारा है वहाँ पर लगा लेंगे पूरे में, जितना हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए ऐसे सब में लगाएंगे जो भी हमारा मेन पॉइंट है। देखिए कितना लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हम पूरा रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा सलवार रेडी है।
तो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके प्लीज़ बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।